सर्विसेज चीफ्स की मुदत मुलाजमत 5 साल, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस की तादाद भी बढ़ गई। कॉपी असेंबली में बिल मंजूर। पाकिस्तान आर्मी एयरफोर्स पाकिस्तान नेवी एक्ट की भी शिकवार मंजूरी। अपोजिशन के इजलास के दौरान हंगामा आरई हाथापाई। ये लोग जजेस नहीं बढ़ाना चाह रहे बल्कि अपनी मर्जी के जजेस लाना चाह रहे हैं। इस वक्त सिर्फ भारत में सुप्रीम कोर्ट के 33 जजेस हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में इजाफा या तौसी एक इंतजामी मामला। अगर पार्लियामेंट से इंसदादे दहशतगर्दी तरमीमी एक्ट मंजूर हुआ तो हम मुखालफत करेंगे। वज़ीर आज़म ने पार्लियामानी पार्टी के इजलास में काबीना में तौसी का इंदिया दे दिया। ज़राए के मुताबिक काबीना में मजीद अरकान शामिल होंगे मगर फौरी तौर पर नहीं। स्टेट बैंक का शरह सूद में 2.5% कमी का ऐलान। शरह सूद 17.5% से कम करके 15% मुकर्रर कर दी। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक की जरिए पॉलिसी कमेटी ने पॉलिसी रेट को 250 बीपीएस कम करके 15% कर दिया। जरी पॉलिसी कमेटी का कहना है कि सख्त जरी पॉलिसी मौकिफ महंगाई में कमी का रुझान बरकरार रखने में किरदार अदा कर रहा है। जरी पॉलिसी मौकिफ से मुआशी इस्तेहकाम और मुआशी नमू हासिल करने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 92,000 की नफसियाती हद अबूर कर गई। 100 इंडेक्स में 1100 से ज्यादा पॉइंट्स की तेजी रही। 92,021 की सतह पर ट्रेडिंग। दूसरी जानिब इंटर बैंक में डॉलर 5 पैसे सस्ता हुआ। सऊदी अरब और कतर के सरबराहान से मुलाकातें मुफीद रहीं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफ़ाकी काबीना का अहम इजलास। शहबाज शरीफ ने गैर मुल्की दौरों के हवाले से वुज़रा को एतमाद में लिया। वज़ीर आज़म का कहना है सऊदी सरमायाकार सोलर मादनियात शराकतदारी और दीगर मनसूबों में दिलचस्पी रखते हैं। पाकिस्तान का वफ़द जल्द सऊदी अरब का दौरा करेगा। द्वारा कतर में पाकिस्तान में 3 अरब डॉलर की सरमायाकारी पर बातचीत हुई। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी चेयरमैन जल्द वफूद के हमराह पाकिस्तान आएंगे। पहले वनडे मैच में पाकिस्तान को 2 विकेटों से शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया ने 204 रन का हदफ 34वें ओवर में हासिल किया। 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी मिल गई। पैट कमिंस की 32 रन की इनिंग्स ने अहम किरदार अदा किया। स्टीवन स्मिथ 44, जोश इंग्लिस 49 रन बनाकर नुमाया। पाकिस्तानी पेसर्स ने कमजोर हदफ के दिफा की भरपूर कोशिश की। 161/7 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। हारिस रऊफ ने 3, शाहीन आफरीदी ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। नसीम और हसनैन ने 1-1 विकेट उड़ाई। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 203 रन बनाए। रिजवान 44, बाबर 37 और नसीम 40 रन बनाकर नुमाए रहे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भरपूर फाइट पर टीम को शाबाश। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे मैच में पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर नाकाम। कौमी टीम के ओपनर साइम अयूब 1 रन बनाकर आउट हो गए। अब्दुल्ला शफीक सिर्फ 12 रन के मेहमान साबित हुए। बाबर आजम 37 रन पर पवेलियन लौटे। कामरान गुलाम भी 5 रन बनाकर विकेट देकर चले गए। सलमान अली आगा 12 रन बनाकर आउट हुए। शाहीन शाफरीदी ने 24 और नसीम शाह ने 40 रन बनाकर टीम को सहारा दिया। व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है बॉलर्स ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। हमने भरपूर फाइट की, शिकस्त से बहुत कुछ सीखा है। आइंदा मैचेस में मजीद बेहतर परफॉर्मेंस देंगे। मिचेल स्टॉक गुफ्तगू करते हुए बोले विकेट गंवाने के बाद दबाव बढ़ा। बॉलर्स की बेहतरीन कारकर्दगी के बायस जीत मुमकिन हुई। पाक
बहरिया का बहरी जंगी जहाज से मकामी तौर पर तैयार किए गए बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा। आईएसपीआर के मुताबिक 350 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल सिस्टम जमीनी और समंदरी अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। मिसाइल निज़ाम जदीद तरीन नेविगेशन सिस्टम के साथ अपनी समत और रफ्तार को तब्दील करने की खसूसियात से लैस है। नेवल चीफ पाक बहरिया के अफसरान, साइंसदानों और इंजीनियर्स ने तजर्बे का मुजाहरा देखा। सदर, वज़ीर आज़म, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स और सर्विसेज चीफ की यूनिट्स और साइंसदानों को मुबारकबाद। इसी नाम से हम इसको एक सुबह लेगा और इसी नाम से इसको चलाएगा। हम पाकिस्तान के नाम को घोड़ी के दामों इन लोगों को बेचने नहीं देंगे और ये इसको बेच नहीं रहे, ये इसको इनडायरेक्टली खुद खरीद रहे हैं। पहले से मीटिंग करेंगे, उसके बाद एक करारदाद पास करेंगे, वहाँ पर आगे के लिए एक लाइमल देंगे। हमने जो फाइनल कॉल देनी है, हमारे जो मुतालबात है वो सामने लाएंगे। पीआईए खरीदने के लिए हर हद तक जाएंगे। वज़ीर आला के पी अली अमीन गन्नापुर कहते हैं बिल्ली थैले से बाहर आ गई। शरीफ फैमिली एयरलाइन को खुद औने पौने खरीदना चाहती है। कौमी एयरलाइन खरीदी तो नाम पीआईए ही रहेगा। मजीद बोले, 9 नवंबर को सवाबी में इकट्ठे होंगे। जलसे में आइंदा खिलाए अमल का ऐलान होगा। इस बार एक ही दफा निकलेंगे। पंजाब हुकूमत का कोई इरादा जो है वो पीआईए को खरीदने का नहीं है। हुकूमतों का काम कारोबार नहीं करना होता, लेकिन कारोबार को, कारोबार के हालात को साजगार बनाना हुकूमत का काम होता है। एक ऐसी फसाद पार्टी जो खुद 1000 अरब रुपए से ज्यादा के मकरूज हैं, वो जो है वो इस बात को जो है वो उछाल रहे हैं, जिनको जो वो अपने कर्जे देने के काबिल नहीं है, जो अपने स्कूल कॉलेजेस चलाने के जो है वो काबिल नहीं है, वो इस बातों को जो है इस खबर को उछाल रहे हैं। वज़ीर इत्तला'आत पंजाब असमा बुखारी का कहना है फसाद पार्टी अपना सूबा चलाने के काबिल नहीं, एयरलाइन खरीदने की बातें हो रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा 1000 अरब का मकरूज है। केपी के पास तो मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के पैसे नहीं। पंजाब वाहिद सरप्लस सूबा है। पंजाब ने अपने अखराजात पर काबू पाया। पंजाब हुकूमत का पीआईए खरीदने का कोई इरादा नहीं। मजीद बोली, स्मोकी मोनिटरिंग जारी है, ग्रीन लॉकडाउन भी लगाया जा रहा है। इंसाफ की कुर्सी पर बैठे मुनसिफों की जानब से 9 माह से नाइंसाफी हो रही है। बानी पीटीआई और मुझे नाइंसाफी से सजा दी गई, जो अंदर बैठा है क्या वो इंसान नहीं? किसी जज को नजर नहीं आता, इंसाफ तो है ही नहीं। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी कमरा अदालत में रो पड़ी, कहा यहाँ सिर्फ नाइंसाफियाँ होती हैं, मैं अब इस अदालत में नहीं आऊँगी, मेरे वकला समेत तमाम वकला सिर्फ वक्त ज़ाया करते हैं। बानी पीटीआई के साथ बुशरा बीबी की एक केस में दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज, फैसला 18 नवंबर को सुनाया जाएगा। समात इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज अफजल मजरूका ने की जज का प्रोसिक्यूटर पर इजहार बरहमी, कहा आपने क्या तफ्तीश की, कानून पर चलूं तो आप कौन होते हैं मुकदमा दर्ज करने वाले, जाली रसीद कहां पर पेश की, कोई तो सबूत दे। जमात इस्लामी ने भी 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज कर दी। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर, मौकिफ़ अख्तियार किया, आईनी तरमीम बुनियादी हुकूक के खिलाफ है, तरमीम बुनियादी आईनी ढांचे और मुतअद्दिद आईनी शिकों के खिलाफ है, कलदम करार दी जाए। सिंध असम्बली में आईनी बेंचेस की तश्कील के लिए करारदाद मंजूर, करारदाद वज़ीर दाखला ज़ियाल अंसार ने पेश की, 123 अरकान ने हिमायत, 4 ने मुखालफत की। एमकेएम और पीपल्स पार्टी अरकान ने खड़े होकर हक में वोट दिया। जमात इस्लामी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने करारदाद की मुखालफत की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा सूबाई असम्बलियाँ करारदाद पास करेंगी तो हाई कोर्ट में आईनी बेंच बनेंगे। जुडिशल कमीशन बन चुका है। 26वीं तरमीम में आईनी बेंचेस का ड्राफ्ट बिलावल भुट्टो का है। पीटीआई ने भी आईनी बेंचेस पर 2 अरकान नामजद किए हैं। इसका मतलब है कि 26वीं तरमीम को उन्होंने भी मान लिया है।
स्मॉग का राज बरकरार, मुल्तान पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 525 रिकॉर्ड। दुनिया भर में भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली सर फहरिस्त, लाहौर आलमी सतह पर दूसरे नंबर पर रहा। सूबाई दारुल हुकूमत में प्राइमरी स्कूल आज से एक हफ्ते के लिए बंद। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा कि मुश्किल मौसमी हालात का मुकाबला सब मिलकर ही कर सकते हैं, धुआं फैलाकर इंसानी जिंदगी से ना खेलें, मुज़ाकरात से ही स्मॉग के मामलात बेहतर कर सकते हैं। भारत के साथ बातचीत के लिए आज वजारत खारजा को खत लिखेंगे। सुप्रीम कोर्ट में गैस जायद बिलिंग केस की समाअत, दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा इस केस की नजरसानी तो अभी ज़ेरे इल्तवा है, 26वीं तरमीम के बाद ये केस आईनी बेंच को जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए कि सारे मुकदमात आईनी बेंचेस में ना लेकर जाएं, कुछ मुकदमात तो हमारे पास भी रहने दें, इस केस में कोई आईनी या कानूनी सवाल मौजूद नहीं। अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी। इस्लामाबाद में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है, कुछ करने की ज़रूरत है। विफाकी दारुल हुकूमत में भी कराची वाली सूरत हाल हो गई, मेरे अपने जानने वालों को भत्ते की पर्ची आई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इंतजार पंजोता केस में इजहार तशवीश, चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, मिसिंग पर्सन और स्ट्रीट क्राइम्स बहुत बढ़ गए हैं, इंतजार पंजोता से मुतालिक टीवी पर देखा और बहुत बुरा लगा, ये तमाम लोगों के लिए शर्मिंदगी का बायस है, हम इसको अगवा बराए तावान के वाक़े के तौर पर ले भी ले फिर भी इन वाकयात की रोकथाम होनी चाहिए। अभी बासिया वकील की जिस्मानी और ज़हनी हालत ऐसी नहीं है, एक दिन बाद पुलिस मामले को इन्वेस्टिगेट करे, एक महज़ब माशरे में इजहार राय की आज़ादी होनी चाहिए। इंतजार पंजोता का बयान रिकॉर्ड करके कानून के मुताबिक कार्रवाई करने की हिदायत, अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी। अमरीका में सदारत इंतखाब में एक रोज़ बाकी, इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज़, पोलिंग कल होगी। बैलेट बॉक्सेस, पेपर्स और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पोलिंग सेंटर्स में पहुंचाई जा चुकी। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कैमला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान कांटे का मुकाबला, राय शुमारियों में कैमला हैरिस को एक पॉइंट की बरतरी हासिल। दोनों की तवज्जो पासा पलटने वाली रियासतों पर मरकूज, कैमला हैरिस मिशिगन में सरगरम, ट्रंप की पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया में दौड़ धूप जारी। कैमला हैरिस का कहना है ट्रंप का कबल इस वक्त जीत का दावा हकीकत से तवज्जो हटाना है, 2020 का इंतखाब शफाफ था जिसमें ट्रंप को शिकस्त हुई। अमरीकी इंतखाबात में 33 सेनेटर्स और 13 गवर्नर्स का भी चुनाव होगा, मौलिक रियासतों के 93 इलेक्टोरल वोट इंतहाई अहमियत के हामिल। अमरीकी इंतखाबात पर एक्सप्रेस न्यूज़ की खसूसी ट्रांसमिशन, पल पल की बदलती सूरतेहाल पर खसूसी रिपोर्ट्स और तज्जिये, साबिक वज़ीर ख़ारिजा और रशीद कसूरी ने एक्सप्रेस न्यूज़ की खसूसी ट्रांसमिशन में कहा कैमला हैरिस सदर बनी तो जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी आगे बढ़ाएंगी, कैमला और ट्रंप का झुकाव दोनों का इसराइल की जानिब है, मगर कैमला कम अज़ कम दो रियासती हल की बात करती हैं, डोनाल्ड ट्रंप के इसराइल के साथ ताल्लुकात बहुत मजबूत हैं। अमरीकी सियासत में 538 इलेक्टोरल वोट, सदारती उम्मीदवार को जीत के लिए 270 वोट दरकार, इलेक्टोरल कॉलेज के अरकान मुतालिका दारुल हुकूमत में वोट डालते हैं, हर इलेक्ट्रिक एक वोट की नुमाइंदगी करता है, सबसे ज़्यादा आबादी वाली रियासत कैलिफोर्निया से 54 इलेक्टोरल वोट हैं। दारुल हुकूमत वाशिंगटन की कांग्रेस में नुमाइंदगी नहीं, फिर भी 3 इलेक्टोरल वोट मुंतखब किए जाते हैं। अमरीकी सदारती इंतखाबात में फैसले की घड़ी करीब, कैमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान होगा सख्त मुकाबला, दोनों उम्मीदवार अमरीकी सियासत के कितने पुराने खिलाड़ी, कैमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी सियासत में क्या किरदार, खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा।
कराची में स्ट्रीट क्राइम्स बहुत बढ़ गए, कोई गली कूचा महफूज नहीं, कोई बंदा अच्छा मोबाइल फ़ोन नहीं रख सकता। एमकेएम का कराची में अमन अमान से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस। फाजिया हमीद ने कहा, मुझे भी हर गुजरते मोटर बाइक से खौफ आता है कि गोली मारेगा या डकैती करेगा। वज़ीर दाखला ज़ियाउल जान ने कहा, स्ट्रीट क्राइम में 26 और गाड़ी चोरी में 28% कमी आई है, कराची को अमन का गहवारा बनाएंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा दो रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुँचेंगे। अब्बास इराक़ची, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, हम मनसब इसहाक डार से मुलाकातें करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा मशरक़ी वुस्ता की सूरत हाल और पाकिस्तान ईरान दो तरफ़ा ताल्लुकात पर मुशावरत करेंगे। एक 190 मिलियन पाउंड केस में अदालत की बुशरा बीबी के वकील को जराह का हक खत्म करने की वार्निंग। वकला सफाई को बुध के रोज 10 बजे तक जराह करने का आखिरी मौका। बुशरा बीबी के वकील मसरूफियात के बायस पेश ना हुए। मावन वकील की समाअत बुध तक मुलतवी करने की इस्तदा। नैब प्रोसिक्यूटर की मुखालफत, कहा 35 समाअतें हो चुकी हैं, आखिरी गवाह पर जराह मुकम्मल नहीं की जा रही। बुशरा बीबी अदालत नहीं आती तो वारंट जारी किए जाए। अदालत ने समाअत 4 नवम्बर तक मुलतवी कर दी। उधर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तोशाखाना 2 केस में बानी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। FIA को नोटिस, जवाब तलब।